आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने वाले हैं बीबीए फॉर्म मेथड के ऊपर, और हम बात ये करेंगे कि एक सीट से दूसरे सीट पे तो डेटा आपने भेजा था, अब हम बात करेंगे एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा कैसे भेजें। जैसे यहां पे हमने नेम डाला, नेम है हमारा, एक मिनट यहाँ पे सिंपल सा एक फॉर्म बना लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा फिनिशिंग दे देता हूँ, ताकि इस तरह के फॉर्म की फिनिशिंग करने में क्या होता है ना सर, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, तो मैं चाहता हूँ इन चीज़ों पे मैं ना काम ज़्यादा टाइम ना करूँ, आप लोग इस पर अपने हिसाब से बना दें कि आप लोग जो फॉर्म बनाया तो ठीक ठाक बनाए, अच्छा एक देखने में ठीक हो, ताकि किसी को पास आउट भी कर सके। हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ सर, रिकॉर्डिंग का परमिशन नहीं है, इसको मर्ज कर दिया, कहाँ रह गए थे आप? अरे सर आपकी क्लास में ही आया हूँ, जस्ट थोड़ा सा कुछ कर रहा था। नेम मैंने यहाँ पे दे दिया सिटी, छोटा ही करता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ मार्क्स, मार्क्स या फिर ये कर दीजिए ना, कर देता हूँ, और हम यहाँ पे बटन बना लेंगे बाद में। अब ये हमारा फॉर्म हो गया, और जैसे हम बताया था कि हम डेटा पे भेजना है, तो डेटा पे यहाँ पे हमारा आईडी हो जाएगा, डेट हो जाएगा, मैं फाइल डिलीट कर दिया था, दोबारा से इनको डाल रहा हूँ, डिलीट करता टाइम को देता हूँ, नेम सिटी और अमाउंट। तो हमने लास्ट क्लासेस में दिया था यहाँ से इंसर्ट मॉड्यूल्स, यहाँ पे सब्जेक्ट सेल, और यहाँ पे हम करेंगे आईडी इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और इसमें हम करेंगे शीट्स, और शीट्स में करेंगे डेटा, डेटा में करेंगे रेंज, और रेंज में करेंगे ए से लेके ए तक, हम करेंगे रेंज A65000.n एक्सेलस अप, ये चीजें मैंने बताई थी लास्ट क्लास में, जिसे मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा वन, आईडी की जगह पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा टू, और यहाँ डेट के जगह पे हमें नेम देना है, तो ये देखिए ये हमारा क्या है, हमने इसको नेम वाले एरिया को हमने सर्च करके मर्ज कर दिया है, ध्यान रखिएगा सर, मर्ज कर दिया, तो इसका इस पर क्लिक करने पे जो आएगा ना सर B8 यही आपको देना है, तो रेंज B8 डॉट वैल्यू, और कौन सा, यहाँ आपको सीट का नेम देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा सीट्स, और यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे देना जरूरी है क्योंकि आगे चल के हम आपको बताने वाले हैं सीट के साथ, फाइल के साथ, सॉरी फाइल के साथ, इसलिए देना जरूरी है, तो यहाँ पे टू के जगह पे थ्री, यहाँ पे फोर, एट, और यहाँ पे B11,
यहाँ पे B40 यहाँ पे हम देते हैं मैसेज MSG बॉक्स प्लीज प्लीज नहीं यहाँ पे डेटा और रेंज B8 कॉमा B11 कॉमा B14 क्लियर कंटेन कमेंट द कंटेंट्स। इसके आगे हम रेंज लगाएंगे डेटा डेटा नहीं है माफ कीजिएगा फॉर्म। तो हो गया सेम फाइल से अनुदर फाइल पे जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बटन अप्लाई करता हूँ ये जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना इस पे? तो मैं दोबारा समझा दूंगा। तो जब मैं यहाँ पे फिल करता हूँ यहाँ मान लीजिए हमने डाल दिया पूजा सिटी डाल दिया हमने पुणे और अमाउंट डाल दिया हमने 7 4 सेंड पे क्लिक करता हूँ डेटा हैव सेंड। यहाँ पे आ गए वी कान डू डैट ऑफ मर्ज सेल। ये मर्ज सेल के ऊपर नहीं कर पाएगा मर्ज सेल के ऊपर एक क्लियर नहीं कर पाएगा ठीक है ना सर। दिक्कत क्या था तो डेटा तो उसने सेव सेंड कर दिया डेटा में देखेंगे तो डेटा तो सेंड कर दिया इसने बट क्लियर नहीं कर रहा मर्ज सेल में। तो हमें इसको 1 by 1 क्लियर करना पड़ेगा। इससे हो जाएगा इस तरह से करना पड़ेगा सिलेक्ट करके सिलेक्शन डॉट क्लियर करते हैं। हर चीज का तरीका ढूंढ लेना पड़ता है सर। यहाँ पे अगर मैं कोई नाम डालता हूँ और सेंड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर हो गया। लेकिन ये एक सीट से दूसरी सीट में जा रहा है। अगर मैं सीट को मूव कर दूँ एक नई वर्कबुक में क्रिएट कॉपी कर दूँ सॉरी और उस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ एक फोल्डर में से डीटी फोल्डर इस फोल्डर में ये फॉर्म डेटा एफ डेटा के नाम से और एक्सटेंशन मैं एक्सेल वर्कबुक की कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है एंड सेव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ
अब मैं इस पर क्लिक करूँ, मेरा डेटा डिफरेंट फाइल में जाके सेव हो, उस सीट में, समझे, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था बट आप लोगों ने नहीं किया। तो यहाँ पे मैं एक बटन बना लूँगा, पहले बाद में आता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कोड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और मैप बनाता हूँ, सेंड फाइल, और यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले तो उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है, वर्क बुक्स डॉट ओपन, क्योंकि बिना ओपन किए हुए आप डेटा नहीं डाल सकते। तो सबसे पहले मुझे उसको ओपन करने वाला कोड यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये डेस्कटॉप पे है हमारा, mf फाइल है हमारा, नहीं mf में नहीं है, इसमें इस पाथ को हम लेते हैं और यहाँ डेटा स्लैश यहाँ पे दे देते हैं एफ डेटा डॉट एक्सलेस एक्स, ये फाइल हमारा ओपन हो गया, राइट। अब बात होती है कि जो फाइल हमारा ओपन होता है वही एक्टिवेट होता है, समझ रहे हैं, जो फाइल हमारा ओपन होता है वही एक्टिवेट होता है। आगे आपको फॉर्म, आपके जो फाइल है उसका देना पड़ेगा कि वर्क बुक्स और यहां पे हमें फॉर्म डॉट एक्सएलएस एम, ये पाथ आपको देना पड़ेगा, समझे। नहीं यहां तो सीट होगा, यहां तो फॉर्म नहीं, एफ डेटा होगा, डेटा एक्सलेस एक्स, क्योंकि हमें सर्च करना है ना यहाँ पे, यहाँ ये जो दिख रहा है इस पर फॉर्म होगा और यहाँ पे आपका एफ डेटा होगा। तो पहले मैं इसको एफ डेटा कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर यहाँ पे डॉट क्लोज इक्वल टू ट्रू सेव करते हुए, राइट। अब यहाँ पे मुझे इसका ये जैसे यहाँ पे फाइल वर्कबुक्स लगाया, यहाँ पे भी हमें लगाना होगा। तो ये फाइल मेरा फिलहाल तो सेव नहीं है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। फॉर्म के नाम से यहाँ पे हम जो डालेंगे कोड, इसमें यहाँ पे हमें देना होगा फॉर्म, फॉर्म डॉट एक्सएलएस एम, क्योंकि मेरा एक्सएलएस एम का है, राइट। प्लीज म्यूट कर लीजिए, शोर आ रहा है। अभी आपका परफेक्टली वर्क करेगा। चलिए अभी इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करके सबसे एडिट टेक्स्ट करता हूँ, मैप करता हूँ, सेंड फाइल। अब मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे होम दिल्ली और 1500, और जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं असाइन मैप करना भूल गया, सेंड एफ करके ओके करता हूँ और इसको यहाँ पे भेजता हूँ। ओके, अब मैं अगर अपनी फाइल को ओपन करूँ एफ डाटा को, तो ये एंट्री आप देखेंगे सबसे लास्ट में होते हैं, क्लियर है। तो इस कोड में क्या दिक्कत आई आप मुझे बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रमेश जिन्ना जी आपसे स्टार्ट करता हूं, सॉरी रमेश जिन्ना जी तो 8 बजे बज रहा है इसमें, प्रीतम जी आपसे स्टार्ट करता हूं, चलिए। सर आपसे स्टार्ट करता हूँ, बताइए। तो दिक्कत इसमें दिक्कत तो नहीं है सर इसमें, लेकिन सर बताइए क्या बोलना, आप एक बार फाइल में जाएंगे सर? एक मिनट जाते हैं।
चलिए क्या दिक्कत है इसमें। हेलो हाँ बताइए, सुन रहा हूँ। सर, अगर जैसे किसी ने जो फाइल आपने दिया उसमें फॉर्म की फाइल दिया जिसको डेटा पेस्ट डेटा वाला उस अगर किसी ने उसको आगे पीछे मूव कर दिया तो क्या मूव कर दिया, तो क्या मूव करना है सपोज आप फाइल में जाएंगे एक्सेल शीट में जाएंगे आगे? इसको इधर उधर कर दे तो इधर उधर क्यों करेंगे, इसके लिए हमें पास ये है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसमें फॉर्मेट सेल में जाएंगे और प्रोटेक्शन में हम इसको लॉक हटा देंगे, राइट? और राइट क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट शीट, और प्रोटेक्ट शीट में हम जो है यहाँ से सेलेक्ट अनलॉक सेल हटा, यहाँ लॉक सेल हटा देते हैं, और नीचे एडिट ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे एंड ओके। अब क्या होगा कि मेरा कर्सर कहीं और जाएगा ही नहीं, ठीक है, टाइपिंग में आसानी हो जाएगी। ओम लिख के एंटर मारूंगा तो कर्सर नीचे आएगा। अब यहाँ पे मैं उदयपुर लिखा, एंटर मारा, नंबर यहाँ आया, राइट? अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो डेटा मेरा सेव हो जाएगा। हो गया? इसको सर कैप्शन नेम देना पड़ेगा, राइट? हम इसको वो नहीं दे सकते, काउंटिंग के हिसाब से सीट काउंटिंग दे सकते, राइट? फॉर्म के नाम से देना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये डेटा पेस्ट नहीं करेगा ढंग से। कैप्शन यहाँ पे नाम होना चाहिए। नेम ही देना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? हाँ, और आपको दिखता है कोई चेंज कर रहा है नहीं, तो आप यहाँ रिव्यू के अंदर में आप प्रोटेक्शन लगा दीजिए, प्रोटेक्ट वर्कशीट वर्कबुक, अब कोई आपके शीट को किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है? ओके, तो आप लोग इसके एक बार स्कोर की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस कोड की, सर प्रिंट स्क्रीन। और आप लोग इसको ट्राई कीजिए, कुछ बनाइए और भेजिए, कल हम मिलेंगे, कल इससे आगे किसी और भी डिस्कस करेंगे।